गाइस, आप सभी को याद तो होगा ही, लास्ट टाइम हमने मदद की थी गॉडफादर टाइटन की। उस वजह से हमारे पास बहुत पैसा आ गया और मुझे मिल गया गाइस एक जायंट सूट। फ्रैंकलिन के पास इतना सारा सोना पैसा है, लेकिन मेरे पास तो जायंट डायमंड का सूट है। फिलहाल मैंने उसको सुला रखा है, बेचारे को बहुत थक गया था। ये तो है गाइस, तो हम सोच रहे हैं अभी हम कुछ और प्लान करें। एक मिनट, ये क्या? अबे फ्रैंकलिन बचा मुझे। अरे ये क्या चल रहा है दोस्तों? ओह नो, अभी तक तो सब कुछ इतना सही था। नहीं 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 नहीं, फिर से वर्ल्ड में तबाही। अरे कौन है? किसने पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय करने पर तो उतर आई है? दोस्तों यार, हम स्टॉक को कैसे बचाए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। टोनी स्टॉक, स्टॉक कहां पर है तू? ओह नो फ्रैंकलिन, मैं उधर पड़ा हूं। ओह नहीं 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 गाइस, एक मिनट, यहां पर अभी एक बहुत खतरनाक तूफान आया था, उसने सारा सोना तबाह कर दिया और भाई मेरी भी हड्डी पसली तोड़ दी। पता नहीं एक साथ से क्या हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। लगता है जैसे दोस्तों इस बार फिर से किसी गॉड के साथ दिक्कत आई है, लेकिन किसके साथ दिक्कत आई है मुझे समझ नहीं आ रहा। अब तो मौसम बिल्कुल ठीक है। मेरी मदद करो। ये कौन है? मैं एक स्टार गॉड हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सुना है तुमने और भी गॉड्स की मदद की है। असल में एक स्टार 5 कोनों का होता है और मैं अभी 1-headed हूँ। मुझे 5-headed बनाओ वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। कि क्या दुनिया तबाह हो जाएगी? अगर दुनिया में तारे टूटने लगे तो तारे टूट टूट के पृथ्वी पे गिरेंगे, उस वजह से दुनिया तबाह होगी। उन तारे को टूटने से तुम्हें रोकना होगा दोनों इंसानों। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? मैं तुझे दुनिया का सबसे ताकतवर सूट दूंगा बस्टर का, और मुझे तू जो चाहे वो ले लेना। लेकिन उससे लिए सबसे पहले फ्रैंकलिन नाम के इंसान तुझे मेरे मुंह के अंदर जाना होगा और जाकर पता करना होगा कि दिक्कत कहाँ आई है। ऐसा? अरे मैं नहीं जा रहा, तुम मुझे खा गए तो। स्टॉक तू जा। अबे मैं नहीं जा रहा, मुझे खुद डर लग रहा है। दोस्तों अगर आप चाहते हो आपका भाई फ्रैंकलिन मरे ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। जल्दी कर, टाइम नहीं है मूर्ख। अरे कर रहा हूँ ना गाइस, ये स्टार भी काफी ठंडा है। लेकिन दोस्तों एक मिनट, ये तो एक पेपर है। लगता है गाइस इसमें पेपर में कुछ ना कुछ तो गाइड होगा जिससे कि हम स्टार गॉड को ठीक कर पाए और इसके 5 सर ला पाए। देखना पड़ेगा ये क्या लिखा पड़ा है। गाइस आप खुद पढ़िए। स्टील स्टार गॉड मैजिकल स्टार्स फ्रॉम अर्थ गॉड। ओ माय गॉड, और ये दूसरा वाला कौन सा है? स्टील स्टार गॉड स्पेशल स्टार्स फ्रॉम स्काई गॉड। अरे बाप रे, दो गॉड है गाइस, एक है अर्थ गॉड एक है स्काई गॉड, और तीसरा लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। गाइस प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब, साथ-साथ में कमेंट में 80 गेमर ओपी लिख दीजिए। तो गाइस आज हमें हंटिंग करनी होगी बहुत खतरनाक वाली। पहली हंटिंग तो गाइस हमें अर्थ गॉड की करनी होगी, वो भी कुछ तारे वारे लाने। बिल्कुल सही कहा बच्चा तूने, मेरे 4 तारे तुम्हें लाने होंगे। फ्रैंकलिन 4 तारों में से 2 तारे जरूर अर्थ गॉड के पास होंगे और 2 तारे होंगे स्काई गॉड के पास। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जाते हैं अर्थ गॉड के पास। ये पीछे क्या है? ये तो कार है, उस पर बैठ कर जाओ। तुम ह्यूमंस वाहनों पर जाते हो, तुमसे पैदल नहीं भगा जाता तेजी से। ये बात तो बिल्कुल सही है स्टार गॉड, आपने चल ट्रोनी स्टॉक जल्दी बैठ, हमें अर्थ गॉड के पास जाना है। लेकिन एड्रेस क्या है? वो तुम्हारी कार तुमको खुद ले जाएगी। वाह गाइस, यहाँ पर स्टार गॉड तो बड़ा ही खतरनाक है। तो दोस्तों हमें स्टार गॉड के 4 स्टार लाने होंगे जो कि चोरी हो चुके हैं। 2 स्टार हैं अर्थ गॉड पर, 2 स्टार हैं स्काई गॉड पर। तो पहला वाला जो अर्थ गॉड है उस पर तो हम पहुंच चुके हैं। फ्रैंकलिन यार ये कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है? लग तो बहुत खतरनाक रहा है भाई, ऊपर से देख तो अर्थ गॉड पे इतने सारे पेड़ वेड़ उगे पड़े हैं। बिल्कुल सही कह रहा है तो फ्रैंकलिन, लेकिन अब करें क्या? मेरे हिसाब से मेरे पास एक आइडिया है, पहले हम ये चेक करते हैं कि असल में स्टार है कहां पर। अरे वाह, ये है हेड पे एक तो, हाँ और दूसरा वाला स्टार कहाँ पर है? क्योंकि तो एक है, तो गाइस एक स्टार तो मिल गया है जो कि अर्थ गॉड के हेड पर है। दूसरा वाला इसके मुंह में चेक करते हैं। ओह माय गॉड गाइस, दूसरा वाला जो स्टार है वो इसके मुंह में है। गाइस देखिए स्टार कैसे ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रियल वाले स्टार गॉड की पावर्स के हिस्से जो ठहरे हैं। तो स्टार सुन, मैं इसके मुंह वाला हिस्सा लेने जा रहा हूं, मतलब स्टार लेने जा रहा हूं, और तू ऊपर वाला लेने जा। बिल्कुल फ्रैंकलिन तू जा। अरे बाप रे, जोर से लग गई। ओके गाइस नीचे तो पॉइजन है। अरे नहीं नहीं, मुझे उसमें नहीं गिना। नहीं 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 नहीं, अरे कमर में लग गई, टांग में भी। गाइस मुझे इस पॉइजन से बचना पड़ेगा, जल्दी भागता हूँ। एक मिनट, मुझे खांसी क्यों हो रही है? अरे अरे बाप रे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये पॉइजन तो मुझसे चिपक गया है। कोई मेरी मदद करो स्टार्क। लगता है गाइस स्टार्क को मेरी आवाज नहीं जा रही। अरे स्टार गॉड मेरी मदद करो। गाइस कमेंट में जल्दी से हेल्प मी स्टार गॉड लिखो। देखिए स्क्रीन पर लिख रहा है हेल्प मी स्टार गॉड। कमेंट करने करो तो गाइस यार मैं मर जाऊंगा। लो बच्चे, मैंने तेरी मदद कर दी, अब तुझे पॉइजन परेशान नहीं करेगा।
था। ओके गाइस, ओके ओके मैं बच गया। अरे बाप रे गाइस, मरने वाला था ऑलमोस्ट, लेकिन मैं बच गया फाइनली। अभी जल्दी से उठता हूँ, कम ऑन। मुझे यहाँ पर दोस्तों जल्द से जल्द उस स्टार को लेना पड़ेगा। दोस्तों अगर मैंने स्टार कलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पर दुनिया तबाह हो जाएगी तारे के टूटने की वजह से। कम ऑन। एक मिनट, वो ये रहा तारा। फाइनली गाइस मैं इसको ले लिया। ये कितना ग्लो कर रहा है, उम्मीद करता हूँ स्टार्क ने भी अपना वाला तारा ले लिया। अरे फाइनली गाइस मैं पहुंच तो गया। चलो मेरे लिए तो कोई कठिनाई है ही नहीं, मैं तो आसानी से तारे पर पहुंच गया क्योंकि मैं जीनियस हूं ना दोस्तों। मुझे क्या, अरे बाप रे ये क्या हो गया, अरे कोई बचाओ, फ्रैंकलिन बचा मुझे। एक मिनट गाइस, स्टार्क का तो कुछ तिपति नहीं है। पहले काम करता हूँ, इस स्टार को ना अपनी कार से अटैच कर देता हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस मैंने कार के पास स्टार को रख दिया है। स्टार्क तू कहां पर है? ओह माय गॉड, स्टार को क्या हो गया? दोस्तों इसको क्या हुआ कोई मुझे बताएगा? अरे बाप रे फ्रैंकलिन मुझे सीपीआर दे। कम ऑन स्टार्क, कम ऑन मेरे भाई, तू उठ सकता है? गाइस यार इसका वाला स्टार शायद ये ले ही नहीं पाया। अबे फ्रैंकलिन शुक्रिया भाई बचाने के लिए, मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन तेरा वाला स्टार कहाँ है? वो वहीं पर है बेबी। ओके गाइस चलो जल्दी चलते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर जो स्टार है मुझे इसको जल्दी से उठाना पड़ेगा क्योंकि स्टार तो ले नहीं पाया इस स्टार को, लेकिन मैं ले लेता हूँ। ओके दोस्तों हम इसके पास पहुंच गए। अब जल्दी से मैंने इसको अटैच कर लिया आराम आराम से। अब जल्दी जल्दी जाता हूँ फ्रैंकलिन, जल्दी आ रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पर दोनों स्टार हमने कलेक्ट कर लिए, लेकिन फिलहाल अभी हमें दो स्टार और कलेक्ट करने होंगे। वो तो हमें स्काई गॉड के पास जाना होगा। पहले इन वाले स्टार को हम ना स्टार गॉड को दे देते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है फ्रैंकलिन, थैंक यू सो मच मेरे भाई। तो थैंक यू, तो भाई तो ऑडियंस का बोल, इनकी वजह से हम सर्वाइव कर पाए। ओके गाइस यहाँ पर दो स्टार कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं तारे की मदद करूंगा। मैं अक्सर जब गर्मियों की रातों में छत पर सोया करता था तो तारे देखने में बड़ा अच्छा लगता था, और गाइस आज मैं उन्हीं तारों की मदद कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया फ्रैंकलिन बच्चा, यहां पर स्टॉक कैसा है? अरे हां सर मैं भी ठीक हूं, बड़ी जोर से लगी। अब क्या करना है? इन तारों को मेरे पास लेकर आ जा। अरे मैं कैसे लेके आऊंगा, आप इतने ऊंचे जो ठहरे। अरे बेवकूफ, मेरा कहने का मतलब उड़ कर आ। मैं उड़ भी सकता हूं? बिल्कुल आ जा मेरे पास। वाह गाइस, स्टार गॉड के पास तो अपनी ग्रेविटी लेवल है, वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऑलराइट दोस्तों यहां पर जो दो तारे मैं स्टार गॉड के मुंह में लेकर आ गया हूं। अभी मेरे को क्या करना, इनको रख कर जल्दी से निकाल यहां से। अब देख तू जादू होता है क्या, ऐसा क्या होने वाला है? गाइस मैं भी एक्साइटेड हूं। कम ऑन। ऑलराइट दोस्तों अब मैं देखता हूं, ये चाहता हूं कि स्टार गॉड के पास उसके दो जो टुकड़े आ गए, अब उससे होगा क्या? ये देख बच्चे तुझे चमत्कार दिखाता हूं, पीछे देख मेरी तरफ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये तो थ्री हेडेड गॉड स्टार बन गया। हां गाइस ये थ्री हेडेड स्टार गॉड बन गया, लेकिन स्टार के पांच कोने होते हैं तो अभी इसको दो स्टार और चाहिए। बिल्कुल सही कहा बच्चे, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ओ माय गॉड, मुझे हीरे मिल गए और मुझे वाइट अल्ट्रॉन का सूट मिल गया। स्टार भी वाइट और मेरा सूट भी वाइट। ये काम करो स्टॉक, इस वाले सूट को लेकर उड़। लेकिन क्यों सर, तुझे स्काई में जाना पड़ेगा। स्काई जाने के बाद तुम्हें वहां पर स्काई गॉड मिलेगा, उससे तुम्हें मेरे दो तारे चुराने होंगे। ध्यान रखना, बचना ही है तुम्हें, मरना नहीं है वरना दुनिया खत्म। समझ गए सर हम। ऑलराइट दोस्तों यहां पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं और स्टॉक सीधे निकल गए यहां पर स्काई गॉड को ढूंढने। पता नहीं गाइस स्काई गॉड आसमान में कहां पर होगा, बस मैं उम्मीद करता हूं। ओह माय गॉड, स्काई गॉड को पहली बार देख रहा हूं। गाइस इसका कलर भी आसमानी कलर का, इसलिए कभी नीचे से दिखता नहीं है। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, लेकिन हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ऐसा क्या है? देख तुझे ड्रोन से दिखाता हूं, बहुत खतरनाक मुसीबत है मेरे भाई। हाँ फ्रैंकलिन बिल्कुल सही कह रहा है तुझे, देख बहुत ही खतरनाक तरीके के ये मॉन्स्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं स्काई गॉड ने रखे हुए हैं, क्योंकि स्काई गॉड को पता है स्टार गॉड अपनी पावर्स को इससे छीनना चाहेगा। हाँ यार ये तो जायंट रेड बिग वेनम है, लेकिन स्टार होंगे कहाँ पर? वो जरूर इसके, अरे वापरे देख मेरा शक सही था, ये वाला हेड पर है। इस बार तू जाना हेड वाला स्टार लेने और मैं जाऊँगा इसका दूसरा वाला स्टार लेने। लेकिन दूसरा वाला है कहाँ पर, वो भी देखते हैं, शायद इसके मुँह में होगा। मुँह में चेक करते हैं। देख फ्रैंकलिन ये देख, इसके मुँह में दूसरा वाला स्टार। हाँ गाइस लिटरली में दोनों स्टार समय दिख चुके हैं, लेकिन अब करना क्या है? ठीक है मैं जा रहा हूँ मुंह वाला लेने। और नहीं मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है ना गाइस, यार टोनी स्टार्क डरा हुआ है, हेड पर नहीं जा रहा है। कोई नहीं मैं हेड पर जाऊंगा। उसने लास्ट टाइम बताया था कोई बहुत खतरनाक बीम थी जिसने उस पर अटैक किया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। इसलिए दोस्तों मुझे बहुत बच के जाना पड़ेगा, पहले की तरह मैं आराम से जा रहा हूँ। ऑलराइट गाइस मैं स्टार के पास पहुंच गया हूँ। याहू, देखा स्टार को तो परेशानी हुई थी लेकिन मुझे नहीं हुई। मेरे बॉस को परेशान करता है, ये कहां से निकल आया? अबे फ्रैंकलिन वो जायंट उसके मुंह से निकला है। ओह नो, अरे बच्चा मुझे स्टार्क हेल्प मी। अरे मैं नीचे गिर रहा हूं टोनी स्टार्क बच्चा। आ रहा हूं। ओह नो गाइस फ्रैंकलिन गिरना नहीं।
चाहिए वरना वो मर जाएगा। कमॉन 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 फ्रैंकलिन रुक, मेरा हाथ पकड़। अबे कैसे पकड़ू मैं, बहुत जल्दी नहीं जा रहा हूँ। कमॉन मैं कर सकता हूँ गाइस। अरे बाप रे कहाँ गया वो रहा फ्रैंकलिन, मैं तुझे पकड़ लूंगा, बस आ रहा है। आजा आजा पकड़ ले। ओ भाई बाल पाल बच गया। अरे यार मरने ही वाला था मैं। मैंने कहा ना फ्रैंकलिन मैं तुझे पकड़ लूंगा, चल अब जल्दी चल। यहाँ पर हमें पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं इसके मॉन्स्टर्स को थोड़ी सी सजा दे दूं। लेकिन वो कैसे, मैं जाऊंगा और इनसे लड़ूंगा। भैया तुम हमसे लड़ोगे यार? अरे बाप रे तो मारता है। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। ये लो क्या ही मार रहा हूँ गाइस मैं लोगों को। ये लो बहुत ही बुरी तरह से मारूंगा। ये देखिए गाइस टोनी स्टार्क क्या ही खतरनाक तरीके से इनको मार रहा है। लेकिन अभी स्टार्क को जाके वो स्टार भी तो लेना है। बिल्कुल फ्रैंकलिन रुक, मैं जा रहा हूँ सीधा इसके मुंह में। अरे बाप रे ये कैसी पावर है, निकल जाओ यहाँ से वरना तो भाग कर दूंगा। नो 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 नो। अरे दोस्तों बहुत ही बुरी लग गई। अरे कोई मदद करो। अरे दोस्तों, अरे स्टार गॉड मेरी मदद करो वरना मैं तो मर ही जाऊंगा। ठीक है बच्चे मैं तुझे गायब कर रहा हूँ, वो तुझे देख नहीं पाएगा। क्या बात है गाइस, मेरा सूट यहाँ पे इनविजिबल हो गया। मेरे सूट में जरूर कोई मोड होगा और मुझे ही नहीं पता। खैर कोई नहीं, इसके फंक्शनैलिटी को मैं बाद में समझ लूंगा। फिलहाल यहाँ पर मुझे जल्दी से वो मुंह के अंदर वाला तारा कलेक्ट करना होगा। ऑलराइट दोस्तों, ये वाला जो तारा है काफी चमक रहा है और देखिए मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं इस तारे को खुद से कलेक्ट करके बाहर लेकर जाऊंगा। बस अब उम्मीद करता हूँ कि फ्रैंकलिन अपना वाला टास्क अच्छे से कर ले। कमॉन कमॉन गाइस, इसके दांत तो देखो यार कितने बड़े बड़े, इसने मुझे चबा लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक तारा तो कलेक्ट कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके अब बस उम्मीद करता हूँ फ्रैंकलिन वाला तारा भी हमें जल्दी से ही मिल जाए। ओके दोस्तों इस बार कोई गलती नहीं, फ्रैंकलिन तू कर सकता है। फ्रैंकलिन यू कैन डू इट। गाइस डर लग रहा है इस बार कोई और मॉन्स्टर ना जाए। ओके गाइस मैं स्टार पे तो पहुंच चुका हूँ, अभी जल्दी से इतना खुद को इससे अटैच कर लेता हूँ। ओके गाइस हमने स्टार को अटैच कर लिया है, निकल जाओ यहाँ से वरना पर बहुत कर दूंगा। अरे बाप रे ये स्काई गॉड गुस्सा क्यों रहा है? ए मेरे घर पे आते हो और मुझे गुस्सा ही नहीं आएगा? रुक बताता हूँ तुझे कीड़े। नहीं सॉरी, मैं पूरी धरती को बारिश से बहा दूंगा। नहीं ऐसा मत करना गाइस, एक गॉड की मदद करो तो दूसरा गॉड गुस्सा हो जाता है। बात तो सही कह रहा है फ्रैंकलिन, फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा पूरी स्पीड में। ओके दोस्तों, टोनी स्टार्क ने मुझे और इन दोनों स्टार्स को अटैच कर लिया खुद की बॉडी से और देखिए यहाँ पर हम कितनी स्पीड में वापस से स्टार गॉड के पास जा रहे हैं। ऑल राइट दोस्तों, हम स्टार्क मेंसल ऑलमोस्ट पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर मैं और फ्रैंकलिन बहुत ही जस्ट के साथ दोनों स्टार्स को वापस लाए। अब बस उम्मीद करते हैं हमारी धरती पर जो मेटियोर्स गिर रहे थे जिस वजह से तबाही हो रही थी वो दोबारा ना हो। जल्दी से करो टोनी स्टार्क, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से इन दोनों तारों को मेरे मुंह में डाल दो, ला कर जल्दी बच्चे। अरे आ रहा हूं सर आ रहा हूं। मेरी भी हालत खराब हो गई दोस्तों उन खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ते हुए, लेकिन मैंने फाइनली इन दोनों स्टार्स को यहाँ स्टार गॉड के मुंह में लाके रख दिया है। अब बस उम्मीद करता हूँ ये जल्दी से 5 एडिट हो जाए। और पहले मेरे से बाहर निकल बच्चे वरना तू खत्म हो जाएगा। अरे निकल रहा गॉड, रुक रहा हूँ। ओके गाइस टोनी स्टार्क फाइनली वापस से बाहर आ चुका है। फ्रैंकलिन अब रुक, यहाँ पर स्टार गॉड हमें एक खतरनाक जादू दिखाने वाला है। मुझे तो इस बार एक जायंट हल्कबस्टर का सूट चाहिए और मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। ओह माय गॉड गाइस देखिए हमारा स्टार गॉड फाइनली 5 हेडेड हो गया, मतलब स्टार के जो पांचों कोने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर तारे नहीं टूटेंगे तो धरती की कोई परेशानी नहीं होगी और मैं फाइनली रात को सोते हुए फिर से तारे गिन सकूंगा। चलो बच्चा लो तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा। अब बात है गाइस, फाइनली मैंने और फ्रैंकलिन ने कर दिखाया लेकिन हमारा गिफ्ट नहीं मिला। हां गाइस यार गिफ्ट तो मिला नहीं। और 1 2 और या 3, क्या बात है गाइस अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए टोनी स्टार्क का जायंट व्हाइट हल्कबस्टर का सूट है, कितना औसम है ना फ्रैंकलिन, तो जल मत उससे। अरे मैं नहीं जल रहा, मेरे पास ऑलरेडी इतने सारा पैसा है, इससे ज्यादा तो मैं कितने सूट खरीद लूंगा। हाँ चल ठीक है गाइस, अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। और हाँ बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे